परसेंट कम हुआ है लेकिन पिछले ज्यादा आई है बीजेपी की। देखिए वोटिंग का परसेंटेज होना जो है ना वो लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। ये एक साइन है कि देश में लोकतंत्र पे से लोगों का आम जनता का विश्वास जो है वो खत्म हो रहा है। और वोटिंग जब बढ़ती है, बढ़ती कब है, जब एक अच्छा विकल्प नजर आ रहा होता है, जब एक मजबूत विपक्ष नजर आ रहा होता है या लोगों की उम्मीदें जाग रही होती हैं। और इसके उल्टा जो आपने बताया वोटिंग की परसेंटेज गिर रही है तो ये बड़ा क्लियर साइन है कि लोकतंत्र से लोगों का विश्वास कमजोर हो रहा है, आम जनता का विश्वास उठ रहा है। रामपुर में जो देखिए जैसे अभी साथी ने सवाल ये पूछा कि वोटिंग का परसेंटेज गिर गया, सेम दिल्ली में भी हुआ, जो आप यूपी की बात कर रहे हैं वहां पर भी लगभग लगभग यही स्थिति है। जब लोगों का विश्वास उठ रहा है लोकतंत्र को किस तरीके से कुचला जाए, अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं, अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि किस तरीके से केवल सत्ता पे काबिज हुआ जाए, जनता के मुद्दे पे काम नहीं करना लेकिन सत्ता पे कब्जा करना है, सेम सत्ता पे बैठना है, कुर्सी पे बैठना है। तो ये जो सवाल है ये गंभीर सवाल है जिसको आज जनता को सोचना होगा कि ये जो मुद्दे हैं, ये जो सवाल है, इन सवालों के ऊपर जवाब कौन देगा, क्या कोई नेता के जवाब देगा, नहीं, जनता को तय करना होगा कि इन सवालों के जवाब कैसे देने हैं। जनता ने जवाब तो दिया 27 साल के बाद विकास तोड़ दिया। देखिए मुझे नहीं पता कि आप लोग किस तरीके से देखते हैं, मैं राजनीति का विद्यार्थी हूँ, मैं ये अच्छे तरीके से जानता हूँ कि अगर आप आज की तारीख के अंदर किसी भी पार्टी के साथ चुनाव करवाएंगे भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन अगर वहाँ तीन पक्ष हैं तो जीत यकीनन भाजपा की ही होगी। अगर कहीं भी डायरेक्ट फाइट होगी तो भारतीय जनता पार्टी को हारने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जेएनयू की दीवारों पर लिखा गया कि ब्राह्मणों बाहर छोड़ो। देखिए मैं नहीं मानता कि इस तरीके के जो वक्तव्य है वो कहे जाने चाहिए, लिखे जाने चाहिए। जो भी व्यक्ति देश में रहता है, देश की बात करता है, संविधान की बात करता है, देश के जो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है उनका सम्मान करता है और मूल भावना से हर व्यक्ति के साथ, देश के दलितों के साथ, देश के आदिवासियों के साथ, उन सब के साथ प्रेम की एक भावना रखता है, उन लोगों को देश से बाहर जाने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। ये तो वही बात होगी जैसे कि कुछ लोग जो है दलितों का विरोध करते हैं ऐसे ही कुछ लोग जो है ब्राह्मणों का विरोध करें, हमें नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। बहुत से ऐसे अच्छे ब्राह्मण भी मेरे निजी तौर पर मित्र हैं जो इस भावना के ऊपर काम करना चाहते हैं, मूल भावना के साथ काम करते हैं। किसने लिखे होंगे नारे ये? देखिए जो भी रहा होगा वो बांटने वाली ताकतें हैं, जो भी बांटने वाली ताकतें देश के अंदर है हम उनका विरोध करते हैं, हम जोड़ने वाली हर ताकत का वेलकम करते हैं, जो लोग देश को इकट्ठा जोड़कर चलना चाहते हैं वो हमारे साथ आ सकते हैं। हमारे में जो है ना अभी भी ईवीएम की जो है खबरें आ रही है कि उसमें जो है टेंपरिंग हुई है। जी देखिए ये गंभीर विषय है और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर संज्ञान जरूर लेना चाहिए और ऐसा सुनने में भी आया कि संज्ञान लिया जा रहा है, लेकिन लोगों को ये आश्वस्त करना कि आपकी वोट की सही कीमत मिलेगी ये इलेक्शन कमीशन का काम है। जो लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो उनको बैलेट पेपर का ऑप्शन भी दिया जाना चाहिए, जो लोग चाहते हैं हमें ईवीएम से मौका मिले उनको ईवीएम से भी मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन ये विश्वास कायम करना इलेक्शन कमीशन का काम है और हम इस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं और आने वाले समय में हो सकता है इलेक्शन कमीशन हमारी इस मांग को स्वीकार। सर हमारे देश में दलित जो है गांव छोड़ते हैं जैसे कि मुजफ्फरनगर कांड में मुस्लिमों ने घर छोड़े, ब्राह्मण कहां छोड़ सकते हैं देश में? देखिए आज सुबह की घटना है, मेरे पास एक ब्राह्मण परिवार आया जिसके ऊपर किसी ब्राह्मण ने अत्याचार किया और वो लोग बिहार से बिलोंग करते थे, उनके घर का लोन करने के बहाने उनको इतनी बुरी तरह ठग लिया गया कि लगभग 30 से 35 लाख रुपए उनसे वसूल लिया गया। तो मैं ये नहीं मानता कि किसी जाति का व्यक्ति ही प्रताड़ित होगा या कोई स्पेसिफिक जाति का व्यक्ति ही किसी को प्रताड़ित करेगा, कोई भी व्यक्ति जो क्राइम करने वाला व्यक्ति है या जो प्रताड़ित होने वाला व्यक्ति उसकी जाति धर्म नहीं होती है, जैसे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है ऐसे ही अत्याचार करने वाले का और अत्याचार सहने वाले का भी कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन हरियाणा में गांव पड़ता है मिर्चपुर जी, वहां पे 2010 में दलित जो है बाप बेटी जिन्ना चला दिया गया जी, और वो जो है आज भी गांव में नहीं घुस पाए हैं, पलायन कर गए हैं, उन्होंने गांव छोड़ा, उनकी कोई बात नहीं करता है कि वो दलित कहां वापस जाए। देखिए अब ये सवाल जो आप मेरे से पूछ रहे हो गलत प्लेटफॉर्म है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? नहीं मीडिया में तो चल रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की जिम्मेदारी है, नेताओं की जिम्मेदारी है, वो निकम्मे नेता जो घरों के अंदर बैठे हैं, जो साइकिल पे चलने वाला नेता, हजार रुपए की साइकिल पे चलने वाला नेता जिसके घर में चार चार गाड़ियां 5-5 करोड़ की खड़ी है, कौन हिसाब लेगा उसका? क्या वो जनता सिर्फ मरने के लिए है, सिर्फ वोट देने के लिए है? कर्जा माफ होगा अदानी और अंबानी का और जनता मरेगी फांसी लगा लगा के? आप सब साथी जो लाइव वीडियो कर रहे हैं आप जनता के बीच में जाइए, जाके देखिए आज अखबार भरे पड़े आत्महत्याओं से,
3500-3500 रुपए के लिए पूरे पूरे परिवार आत्महत्या कर रहे हैं। और रॉबिन ये जो रेडिसन ब्लू होटल का जो मालिक था कौशंबी वाला, उन्होंने भी आत्महत्या की है। तो एक छोटे से लेकर बड़ा तबका हर व्यक्ति इससे अफेक्टेड है और इसको बचाने के लिए सरकार को आगे आना होगा, नहीं तो जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा विकट होती जा रही है। देखिए आंखें बंद करके तो डंका बज सकता है, लेकिन जिनकी आंखें खुली हैं, क्या दूध खरीदने के लिए बच्चे के लिए दूध खरीदने आप नहीं जाते हैं, या आम जनता नहीं जाती है सब्जी खरीदने की, आम जनता नहीं जाती है? आप अखबार में डंका बजा सकते हैं, आप मीडिया में डंका बजा सकते हैं, लेकिन जो जनता रोज अपनी जेब से पैसा निकाल कर दूध खरीदती है सब्जी खरीदती है उसके आगे डंका नहीं चलेगा। अभी समय आ रहा है, देखते जाइए, बहुत कुछ बदलने वाला। देखिए उसको आप मीडिया बोलेंगे, लेकिन पुराने समय में जो राजा महाराजा होते थे वो भांड रखते थे अपना डंका पीटने के लिए, तो केवल नाम ही बदला है, बाकी लगभग हम माने तो अमूमन स्थिति वही है। अच्छा। जी ये अभी आज तक बज रहे हैं राम करके मंगल ग्रह पे मोदी का डंका बज रहा है। हम देखिए मैंने क्या बोला कि आज की तारीख के अंदर मीडिया पत्रकारिता करने से भाग रहा है, बच रहा है। आप जैसे कुछ पत्रकार हैं जो दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं और सच्चाई को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत मददगार साबित भी हो रहा है, जिसकी वजह से जनता अवेयर भी हो रही है और यकीनन जनता की कॉल्स भी आ रही है और जनता आगे आकर इनिशिएटिव भी ले रही है। अच्छा, अभी जनसंख्या कानून लाने वाले हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए जनसंख्या कानून, सबसे पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा जनसंख्या कानून किसके लिए है। अगर वो इरिस्पेक्ट ऑफ जाति धर्म से ऊपर उठ के लाया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण भी होनी चाहिए। लेकिन अगर उसमें भी किसी तरीके से जाति या धर्म को, क्योंकि सरकार का इतिहास रहा है हर चीज़ को जाति और धर्म से जोड़ दिया जाता है, अगर जाति और धर्म के साथ जोड़ा जाता है तो उस स्थिति के अंदर हम इस कानून का विरोध करेंगे, जो भी क्लॉज गलत होगी उसका हम विरोध करेंगे। ये तो तिवारी जी बताएंगे, हम क्या बता सकते हैं। देखिए बहुत से ऐसे नेता हैं जो 6-6, 7-7 भाई बहन हैं, तो मैं भी कहता हूँ कि वो नेहरू जी की देन है। कारण ये कि नेहरू जी 1947 में जनसंख्या कानून ले आते तो आज वो 6वीं और 7वीं औलाद को हमें झेलना नहीं पड़ता। देखिए एक बड़ा गंभीर क्वेश्चन है जो आपने पूछा है। अभी नीतीश कुमार जी का भी एक बयान आया कि सारे विपक्ष को एक होना होगा, लेकिन मैं एक संदेश दे देना चाहता हूँ यहाँ से, पूरा विपक्ष एक होकर भी भाजपा को नहीं हरा पाएगा। मौजूदा समय के जितने भी नेता हैं उन सबसे जनता का विश्वास उठ चुका है, अब एक नई पीढ़ी को आगे आना होगा। जैसे आप जैसे साथी हैं, देखिए चमत्कार होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर जनता का विश्वास जगेगा, जनता को लगेगा, आत्मविश्वास जगेगा कि हम कुछ कर सकते हैं, तो यकीनन जनता आगे आएगी और जनता आगे आ रही है, हमारे समर्थन में लाखों लोग आज उतर चुके हैं। 62% वोट भी तो मिला वहाँ पे। देखिए 52% वोट जो आप बता रहे हैं वो किसका है? वो उसका परसेंटेज है जो पोलिंग हुआ है, जो पोलिंग नहीं हुआ वो देखिए पोलिंग ना करने वाला व्यक्ति, पोलिंग ना करने वाला व्यक्ति वो नहीं है जो कि आपका समर्थक है। पोलिंग ना करने वाला व्यक्ति वो व्यक्ति है जो लोकतंत्र से, इस सिस्टम से खफा हो चुका है। हम चाहते हैं 100% लोगों को वोटिंग होनी चाहिए, थोड़ी कानून लाना चाहिए ना सरकार को कि अगर 100% वोटिंग नहीं करेंगे तो आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे। जनसंख्या कानून लाएंगे लेकिन वोटिंग का कानून नहीं लाएंगे, क्योंकि लोग निराश होते हैं तो होते रहे। बहुत अच्छी बात है, सही मानते हैं आपसे। देखिए मैंने पहले भी जवाब दिया, जैसे कि किसी भी काम, किसी भी कानून में अलग अलग क्लॉज होते हैं, उन क्लॉजेस को स्टडी करना पड़ता है। उन क्लॉजेस में आपको ये मॉनिटर करना पड़ेगा कि क्या वो किसी जाति धर्म, किसी भाषा क्षेत्र या किसी को प्रभावित करके तो नहीं लाए जा रहे। जैसे प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो किसी एक व्यापारी को या एक बड़े व्यक्ति को क्रॉनिक कैपिटलिज्म के थ्रू रईस बनाया गया, तो अगर प्राइवेटाइजेशन का कानून आया तो वो गलत नहीं था, लेकिन उसको लागू करने की मंशा, जैसे बाबा साहब ने कहा था, जब बाबा साहब से एक सवाल पूछा गया क्या ये संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, तो उन्होंने संविधान सभा में बहुत अच्छा जवाब दिया कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा हो लेकिन अगर उसे लागू करने वाले लोग खराब होंगे तो वो खराब साबित होगा, और कितना भी खराब से खराब संविधान अगर लागू करने वाले लोगों की मंशा अच्छी होगी और लोग अच्छे होंगे तो खराब से खराब संविधान भी अच्छा साबित होगा।